उधर बिहार में आज पहले चरण का मतदान है और इसी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी बिहार में दो रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। राहुल की दो रैलियां चंपारण और दरभंगा में होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण के लिए वोटिंग है। इस बीच सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए जुटी हुई हैं। आज राहुल गांधी बिहार में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी की एक रैली पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में और दूसरी रैली दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में होगी। सुबह 11:45 पर वाल्मीकि नगर और 2:15 पर कुशेश्वर स्थान में राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 7 नवम्बर को होगा, जबकि कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवम्बर को मतदान होना है। और बिहार के समर में योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां आज और कल राज्य अभिषेक में करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर आज मतदान डाले जाएंगे, वहीं दूसरे दौर का चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी की पहली जनसभा सिवान के गोरियाकोठी विधानसभा में सुबह 11:30 होगी। सिवान के बाद यूपी के सीएम दोपहर 1:00 पूर्वी चंपारण में जनसभा करेंगे। वहीं दोपहर 3:00 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी जनसभा पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अक्टूबर को भी चुनावी जनसभा करेंगे। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9:00 सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।